नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लूनी नदी का ये नज़ारा, जो कि बैल है जो नदी के अंदर है, जो फंस चुका है, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम है यहाँ पे आई हुई है, इस बैल को थोड़ी देर में निकाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी है जो जबरदस्त तेज बहाव के साथ में यहाँ पे बहता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी है जो बहता है, लेकिन फिर भी बैल का है जो रेस्क्यू थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे बैल को है तो थोड़ी देर में बता दिया था किस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैल है जो थोड़ा आगे चला गया है नदी के। प्रयास किया जा रहा है लगातार, बैल का भी आगे अंदर घुस चुका है, यहाँ से निकाल दिया, लेकिन वो उधर किनारे की तरफ जा रहा है, सामने की तरफ, लेकिन नदी के बीच में बराबर बीचों बीच में आ चुका है बैल। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये बैल है जो बराबर बीचों में आ गया है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि आप किनारे से हट जाइए, किनारे को छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी भी कोई घटना हो ना सकती है। पुलिस आपको सावधानी बरतने की अपील कर रही है, तो आप तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि आप भी यहाँ से हट जाइए, भी अनहोनी हो सकती है क्योंकि नदी का वेग काफी तेज है, काफी तेज पानी का बहाव चल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि दोस्तों किस प्रकार से बैल है जो आपको थोड़ा थोड़ा कैमरे के तस्वीरों में दिख रहा है, किस प्रकार से ये संभावना लग रही है कि अब बैल को है जो कहीं ना कहीं नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि पहले बैल है जो बकुल के पास था, अब है जो बैल काफी आगे चला गया है और अब बैल को बचाना काफी मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले खड़ा है, लेकिन अब है जो बैल को बचाना काफी मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी का बहाव है जो काफी तेज है, इसको देखते हुए यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ है जो यहाँ पे काफी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस टीमें भी यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि लोगों को लगातार अलर्ट कर रही है कि लोग यहाँ पे नदी के ऊपर है जो नहीं खड़े रहे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे